नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमस्कार सभी को, आप प्रणाम मेरी तरफ से। मैं वैद्य नवीन जोशी, यहाँ पे मैडम वंदना मैडम, विनीता जी, शशि तिवारी जी, उमेश शर्मा जी, सविता पेठे जी, मुकेश साहू जी, वीरेंद्र मोहन महाजन जी और वैद्य सरोज मिश्रा जी। मैडम, कौन सा सूत्र पढ़ना है मुझे बता दीजिए। अगर कोई शेयर करना चाहे तो ग्रुप में मोनिका मैडम ने वो टीका भी शेयर की है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं जी। मैडम जी, कौन सा पढ़ना है? जोशी सर, मेरे 22 है, टीका का टीका चल रही थी ना। टीका कोई शेयर करेगा? कोई, मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे देता हूँ आपको, वो ग्रुप में है शायद। अंजना मैम के पास है टीका, वो तो ज्वाइन, अंजना मैम अभी ज्वाइन नहीं हुई है। चलिए, तब तक कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल करती हूँ जब तक आप देखिए। जी जी जी, तो तब तक हम ये चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा था हमारा, रक्त पित्त। सूत्र नंबर शायद कौन सा चल रहा था मैडम जी, कोई किसी वे पता हो कौन सा सूत्र चल रहा था? आई थिंक ये 22। तो चलिए मैं 22 तब तक पढ़ देता हूँ, जब तक आपके पास टीका आएगी। पूर्वोक्तम अम्बु पानीयम पंचमूलेन वाश्रितम लघुनाश्रित सीतम वा मध्यबंबु वा फलाम्बु वा। यहाँ बताया गया है कि जो ऊपर षडंग पानी अथवा लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ जल जो ऊपर बताए गए थे, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपने चरक संहिता में भी आपने पढ़ा है, षडंग पानी के बारे में आया है मुस्तक ऊपर पटक सी चंदनो दिशेर उशीरे नागरे श्रुतम श्रुतम जलम दद्यात पिपासा जर शांतये। तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है, और या पंचमूल या श्रुतम लघुनाम श्रुत सीतम वा मध्वम्बु वा फलाम्बु वा, या लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ जल, या इसको पका के ठंडा किया हुआ जल, या इसमें शहद को मिला के जल अगर हमने दिया, या फिर पित्त शामक द्राक्षा है, अनार है, इनके फलों का अगर हमने पानी दिया तो रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक टीका, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है वक्तव्य में, जल को कैसे पकाएं, तो उसका एक नियम बताया है। कर्षम गृहत्वा द्रवस्यम क्वाथयितम् प्रयोग, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज 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 म्यूट दिस। वाथि प्रस्थिके अम्भसी अर्धश्रुतम प्रयोक्तव्यम जल पाके त्वयम् विधि। जल को पकाने की नियम बताया गया है कि एक कर्ष आप द्रव्य को लेकर के उसको जल के साथ क्वाथ बना करके उसको आप पकाएं, और अर्ध रहने तक जल को पका के फिर यथाविधि उसका प्रयोग करें। अंजना मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने 24वां
ये मैंने आई थिंक 22वां सूत्र मैंने पढ़ दिया, दोबारा पढ़ देता हूँ। पूर्वोक्तम अम्बु पानीयम पंचमूलेनम वास्तृतम लघुनाश्रित शीतम वा मद्वंभु वा फलाम्बु वा। तो सौंठ को हटाया गया, इसमें सौंठ रहित है और बाकी जो भी हमारे द्रव्य हैं या फिर लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ जल, पकाकर ठंडा किया हुआ शहद मिला के जल, या पित्त शामक औषधियों से जैसे द्राक्षा अनार आदि के फलों का पानी रक्त पित्त में श्रेष्ठ है, ऐसा बताएगा। नमस्कार मैडम, आप सभी को मैं होस्ट बना देता हूँ आपको। एक जी, वो टीका शेयर की हुई है वहाँ पे, चाहे तो आप टीका वहाँ से शेयर कर सकते। जी सर, नमस्कार, नमस्कार सभी लोग। जी सर, जी सर। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, शेयर करती हूँ, आप पढ़िए आगे, तब तक आप थोड़ा डिस्कस करिए, मैं करती हूँ। ठीक है, इस पे कोई चर्चा करनी हो रक्त पित्त के संबंध में तो आप चर्चा कर सकते हैं। इस पे मैं आपको चरक का भी कुछ संदर्भ यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। चरक चिकित्सा स्थान जो है हमारा चरक, क्योंकि अष्टांग हृदय हम पढ़ रहे हैं, तो चरक चिकित्सा स्थान में भी आप देखेंगे तो रक्त पित्त जो चिकित्सा है उसमें मैं आपको संदर्भ भी पढ़ के बता देता हूँ। संदर्भ जो है ये आप सभी ने इसको पढ़ा ही होगा, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे कुछ ये रेफरेंस नंबर आप देखें तो बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस हैं, इनमें ये चैप्टर नंबर जो है ये 4 है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का, और इसमें वही रेफरेंस जो यहाँ पे कुछ जो है क्वाथ और कुछ षडंग पानीय का वर्णन भी यहाँ पे है, मैं इसमें आपको पढ़ देता हूँ। ये रेफरेंस नंबर अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ बताया है, ये रेफरेंस है एक, इसमें रक्त पित्त का जब भी पेशेंट आए तो क्योंकि आम दोष बड़ा हुआ होता है तो उसमें पहले क्योंकि पित्त और रक्त ये को प्राप्त होता है, इसलिए आम दोष को पचाने के लिए पहले लंघन करने के बाद फिर उन्होंने तर्पण का प्रयोग बताया है। एक इम्पोर्टेंट बात है जोशी सर, चरक में ही उन्होंने बताया है कि रक्त पित्त में पहले लंघन कर लें, उसके बाद से तर्पण का प्रयोग करें, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें। जी आप बताइए, कोई इस पे अपना कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, ये मैडम शेयर भी कर रही हैं। बहुत बढ़िया, मोर की भी आवाज आ रही है, क्या बात है जी। मैडम कहाँ से आ रही है? जी जी जी, जी, जी सर, इतना कितना बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है मैडम, कहीं किसी आश्रम में बैठ के हम संहिता पठन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए और पीछे मोर कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना कितना मतलब इतने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। मैं इसमें एक छोटा सा इसमें एक रेफरेंस हमारे गुरुजी बताया करते थे, अगर आपको चरक संहिता में रस शास्त्र की औषधियों का वर्णन अगर कहीं ढूंढना हो, बहुत कम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक रेफरेंस बता देता हूँ। वैदुर्य मुक्ता मणिगैरिकाणाम वृक्षंग हेमाम लकोदकानाम मधुदकस्य इक्षुरसस्य चैवम पानाक्षमम गच्छति रक्तपित्तम। ये बड़ा अच्छा है, मतलब चरक संहिता में बहुत कम जगह पे रस औषधियों का वर्णन है, तो यहाँ पे वैदुर्य मणि की भस्म, मोती की भस्म, गेरू काली मिट्टी, शंख भस्म, सुवर्ण भस्म, आंवला, सुगंध वाला के चूर्ण को रात्रि में जल में भिगोकर प्रायः छानकर पान करने, या मधु का शरबत या गन्ने का ताजा रस पान करने से रक्तपित्त शांत होता है। ये एक आपको ये इम्पोर्टेंट रेफरेंस जो चरक में है ये मैंने बताया। जी मैडम आपका आपने शेयर कर दिया है आई थिंक टीका। जी सर धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उसको एक थोड़ा सा सार भाग आज देख लेते हैं पहले, ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है रक्त पित्त के बारे में। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि रक्तस्य प्राणायतनम, रक्त की हमें हमेशा रक्षा ही करनी है, क्योंकि अगर दुष्ट रक्त जब तक निकलता है तब तक हम हमारा जो आतुर का बल है और आतुर का बल के समय उसकी जो हमारी कहना चाहिए व्याधि का बल है उसके आधार पर ही हमें उस रक्त को निकालना है, लेकिन जहाँ हमें लगता है शुद्ध रक्त निकलना है वहां उसको हमें रोकते हैं। और रक्तपित्त में स्पेशली इसी बारे में सब बताया है कि जीवित प्राणी ना तत्व रक्त तिष्ठति तिष्ठति, इतनी मतलब अगर प्राणी को जीवित रखना है तो हमें रक्त की रक्षा ही करनी ही होगी। और बहुत अच्छे से दो चीजें बहुत क्लियर आई है अभी तक जो हमने पढ़ा है कि ऊर्ध रक्तपित्त होता है और अधो रक्तपित्त होता है। ऊर्ध रक्तपित्त अधो रक्तपित्त दोनों होता है तो फिर वो असाध्य होता है।
तो यहाँ पर कहाँ पे क्या सेवन करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि जब ऊद व्रत कुछ होता है तो फिर वहां हमें पेया देना है, जैसे द्राक्षा का पेय बना देना है, फारसा का पेया बना देना है, या मुनक्का को हमने जल में भिगोया उसको दिया, या हमने खजूर को जल में भिगोया उसको दिया। लेकिन यहाँ पे हमें यबागू का नहीं देना है ऊद व्रत में, ये स्पेशली हमारे अष्टांग हृदयकार में और टीकाकार में भी बताया है। और जब गुदा मार्ग से अगर जब हमारा जो है अधो मार्ग से होता है या गुदा मार्ग से जब रक्त निकलता है या फिर योनि मार्ग से भी निकलता है, फिर वहां पर हमें इस तरह का पेया और हमें यबागू का सेवन हमें वहां पे देना है और तर्पण करना है तो वो रक्त में करना है। ये एकदम क्लियर बात आई और हम लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। जनरली पिच्छावस्ती का भी बहुत अच्छा रोल बताया है यहीं पर इसी चिकित्सा में, और गुदा मार्ग से रक्त होने पर हम लोग पिच्छावस्ती को जो है वो लाभकारी बताई है। हम लोग जनरली प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं। जो टीका हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं लेकिन हम स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स उसी पे हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात ये हुई कि जो मैडम ने भी बताया वंदना मैडम ने कि हमें रक्तपित्त में लंघन करना है, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम लंघन कर सकते हैं और अधो रक्तपित्त में हमें ग्रहण करना है। ये हमारी टीका में आया है पुराने, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दो तीन एक दो दिन में, ऊर्ध्वे लंघनम अधोगे ग्रहणम। और उसके बाद जो है क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं कि अनुबलम ज्ञानात कफे लग्न बातें ग्रहण, मतलब जहाँ पर ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होता है कफ होता है, कफ की प्रधानता होती है, इसीलिए वहाँ लंघनकारी होता है। और वायु जो अधोग रक्तपित्त में जो होता है वो वायु की प्रधानता होती है, इसलिए वहाँ पे जहाँ बात प्रधान होती है वहां पे हमें फिर ग्रहण करना है, वहां हमें लंघन नहीं करना। यहाँ पे उन्होंने और भी बताया था देश, अगर देश के ज्ञान के आधार पर अगर हम जो है अनूप देश और जंगल देश की बात करते हैं तो अनूप देश में भी जो है वो कफ की प्रधानता मानी जाती है और वहां भी लंघन बताया जाता है। और अगर हम जंगल देश की बात करते हैं तो वहाँ बात की प्रधानता मानी जाती है, वहां ग्रहण करते हैं। तो यहाँ जो रक्तपित्त की चिकित्सा में उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बल के आधार पर बताया है, देश के आधार पर बताया है, काल के आधार पर बताया है, काल ज्ञानात जो है बलम ज्ञानात देश ज्ञानात काल ज्ञानात, काल में विसर्ग काल चल रहा हो या आधान काल, अगर विसर्ग काल में हम चिकित्सा करते हैं तो हम लंघन चिकित्सा कर सकते हैं और अगर हम आधान काल में चिकित्सा करते हैं तो हम ग्रहण चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि आदि शब्दात यौवने लंघनम, अगर युवा अवस्था में किसी को रक्तपित्त हो रहा है तो वहां लंघन किया जा सकता है, लेकिन अगर वृद्धावस्था में किसी को हो रहा है तो वहां फिर बात की अधिकता होती है, तो वहां फिर ग्रहण करना चाहिए। अवस्था ज्ञानात अवस्था के आधार पर भी बताते हैं, अपक्वे लंघनम पक्वे ग्रहण, अपक्व अवस्था में अगर है लगता है कि अभी दोषों का प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ है और दोष अपक्व अवस्था में तो वहां लंघन करेंगे, और अगर दोष जो है वो पाकावस्था में है तो फिर वहां ग्रहण करेंगे। तो बहुत अच्छे से इन्होंने दो तीन जो पॉइंट्स हम लोगों ने पहले पढ़े हैं एक दो दिन में उसमें इन्होंने विरेचन और वमन के लिए स्पेशली कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को बताया है और कुछ स्पेसिफिक योग को बताया है जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो अगर रक्तपित्त में हम विरेचन करते हैं तो रक्तपित्त में विरेचन के लिए इन्होंने बताया निशोथ, काला निशोथ, त्रिफला, पिपली, चीनी मधु, चीनी और मधु इनका मोदक वगैरह बनाया है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे निशोथ के इन्होंने बहुत ही उपयोग बताया है, निशोध के इन्होंने चार या पांच जो है स्पेसिफिक कल्पना बता दी है कि निशोध को हम मिश्री के साथ ले लेंगे संभाग में, फिर उसका चतुर्थ भाग हम पिपली मिलाएंगे, फिर हम विरेचन करा सकते हैं। निशोध का और काले निशोध को हमने क्वाथ में मिलाया, क्वाथ बना दिया और उस क्वाथ में हमने खांड मिलाकर बनाया, उसका अभ्यय बना दिया, तो पेशेंट को जो है रक्तपित्त के स्पेशली जो है हमें विरेचन कराना है ऊर्ध्व रक्तपित्त में उसको देना है। एक बहुत अच्छा वर्ड आया है जो आप सभी जानते हैं पंचसार, पंचसार का इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से एक वर्णन बताया जो कि पित्त शावक होता है और पंचसार जो है वो मधु, मुनक्का, फालसा, मिश्री और जल से बनता है और इसको इसका जो शरबत बनाकर हम पेशेंट को जैसे अभी हमने बताया कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में दिया जा सकता है, तो यहाँ पंचसार का उपयोग हमारे शास्त्रों में स्पेशली अष्टांग हृदय और अष्टांग हृदय की टीका में बहुत अच्छे से डिटेल में टीका में वर्णन आया है। लावा की बात हम लोग सब लोग अभी कल कर रहे थे, तो लावा में अगर हम घृत मिलाकर उसका मंत्र पीते हैं तो भी हम पिलाते हैं तो भी पेशेंट को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और अगर जो रोगी की जठराग्नि अगर मंद पड़ गई है, रोगी जो है खाना ही नहीं खाना चाह रहा है, रोचकता ज्यादा हो गई है, तो वहां फिर
जो है वो मृदु मृदु अमृत भव्य, जिसमें हम दाढ़ी और आंवला के रस से जो खट्टा किया हुआ मंत्र, संस्कारित किया हुआ मंत्र, जो भी हमने मंत्र बनाया है उसमें हमने आंवला और उसका दाढ़ी का रस, या दाढ़ी का रस या आंवले का रस, वो हम मिला के पिला सकते हैं। एक हमने बहुत डिटेल में एक योग पढ़ा था जो कि हम जड़ चिकित्सा में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे पित्त जड़ पित्त जड़ में इसका योग आया है, वहाँ पे द्राक्षादी मंत्र की बात आई थी। और द्राक्षादी मंत्र में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जिसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। मुनक्का है, महुआ है, मुलेठी है, कंभारी है, सारीवा, नागरमोथा, आंवला, कमल, कमल का केसर का वर्णन आया है, लाल चंदन, नील कमल, खस, फालसा, नेत्रवाला, कमलनाल, पठानी लोध। तो ये जितने भी द्रव्य आए हैं ये सब द्राक्षादी मंत्र के नाम से आए हैं। और ये जो द्राक्षादी मंत्र है इनका जो वर्णन है वो जर में भी आया है, जो कि पित्तनाशक है, रक्तपित्त चिकित्सा में इसका बहुत अच्छे से उन्होंने योग बताया। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि हमें अगर मसूर की दाल बनानी है या जो हम पेया बनाते हैं, जो हमने आहार कल्पना कर बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो एक अक्सर मैंने को ये स्पेसिफिक पॉइंट लगा कि अक्सर हम लोग मूंग की दाल की बात करते हैं, लेकिन जो रक्तपित्त में कल एक पेया हमने पढ़ी है उसमें मसूर की दाल में चिरायता, खस, नागरमोथा का पाथ मिलाना है या फिर पिष्ट पड़ने पर पाथ मिला के देना है। तो यहाँ एक हमारे पास आहार कल्पना में और एक कहना चाहिए मोती जुड़ गया है कि हम मसूर की दाल में भी इसको जो है संस्कारित करके दे सकते हैं। तो अब आप इसके बाद आगे तो समराइज किया मैडम, बहुत बढ़िया। हाँ, एक थोड़ा पुराना भी एक बार अगर हम लोग रिवाइज कर ले तो अच्छा रहता है। और जैसे टीचर आते हैं हमारे क्लास में आचार्य, तो चलिए पुराना देख ले अब आगे पढ़ते हैं, तो वैसे आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही है, बड़ा मजा आया। थोड़ा सा अच्छा लगता है पुराना लेके जब आगे चलते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ ये कंटिन्यूएशन में आ गया है। अब हम बात पढ़िए मैडम, 22 नंबर पढ़ा था सबने पढ़ा है मैडम, इसे क्लियर नहीं आ रहा ये तो मैं। अच्छा, हाँ, बुक में से देखा है आपके पास? नहीं टीका तो नहीं है, लेकिन ये जो मैं थोड़ा सा फिर से करती थोड़ा सा फास्ट करके करती, तब तक आप बोलिए कुछ बताइए। यहाँ पर जो दालें यूज करी हैं इसमें दालों में हम लोग रक्तपित्त में मूंग और मसूर तो हो ही गया, और इसमें चना और मोठ ये भी यूज कर सकते हैं, इनकी भी यूज की कल्पना कर सकते हैं। और जैसे कि ये था कि इसमें करके इसको दे सकते हैं, तो अम्ल रस का निर्देश है उसके अंदर, और उसको खट्टा करके दे सकते हैं। तो उसमें अनार और आंवला जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि ये दो ऐसे खट्टे फल है जिनसे हमको इन दालों को, उसमें हम लोगों ने मूंग मसूर तो देख ही लिया, पर चने का और चने की दाल का यूश है वो, ऐसा नहीं है कि चने की दाल लेनी है, उसका यूश बना के लेना है। मैडम ने बताया था कि जो लाजा है उसको बहुत मात्रा में उसमें गोगरस डालना है, क्योंकि अगर केवल लाजा लेंगे तो वो रुक्ष हो जाएगा, उसमें बहुत मात्रा में गोगरस डाल के और मधु मिला के लेते हैं, मतलब विषम मात्रा में, और वो जो है अनुकूल रहता है, मतलब उर्ध्वगत रक्तपित्त। उसके बाद उन्होंने जो खजूर आदि तर्पण है उसमें मैडम ने अभी भी बताया था मुनक्का, महुआ, छुआरा और फालसा, सभी शतशीत जल में चीनी मिलाकर तर्पण करना है। तो मेरे ख्याल में शतशीत का यही है कि पत्ते से अच्छे से पीस के ऊपर से पानी डाल देना है, और उसके बाद उसमें शुगर मिला के इसको देना है। तो ये भी जो है वो उद्गत रक्त इसमें, हालांकि जब उद्गत रक्तपित्त में जब कफ का बंद होता है और ये तर्पण मधुर होता है, फिर भी इसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल सदंग पानी की तरह करना है कि इन सब चीजों को नीचे पीस के रख दिया और ऊपर से पानी डाला गरम, उसके बाद उसको ठंडा होने दिया, उसमें फिर चीनी मिला के उसको पेशेंट को दे दिया। और जनरली देखिए अगर हम इसको जनरली प्रैक्टिकली भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं इस समय स्पेशली आधार काल में है और पित्त प्रकोपित है और कहीं ना कहीं किसी को नाक से खून आ जाता है, या कभी कभी ऐसे ब्रीदिंग पैस के केस भी बहुत बढ़ जाते हैं, और समटाइम्स ऐसी भी ब्रीदिंग होती है। तो ये सब चीजें जो हमारे शास्त्र में जो कल्पना, आहार कल्पना और औषध कल्पना, साथ में पेया कल्पना, इतने अच्छे से उन्होंने बताया है कि अगर ये प्रैक्टिकली अगर हम पॉइंट वाइज अपना नोट करके और आहार कल्पना
को समझाए तो ये रियली एक तो कॉन्फिडेंस तो देता ही देता है, इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, प्रभाव भी आता है जी मैडम। और इन सब चीजों को देने से जो पेशेंट को वीकनेस आती है या लो ब्लड प्रेशर होने लग जाता है या हाइपोवोलेमिया होने लगता है, उससे आराम से बच सकते हैं। क्योंकि इससे एक का मैंने कल ही प्रयोग किया, केवल उसको ये पता कि मूंग का यूज बना के उसमें अच्छे से अनार का रस मिला के पियो, वो पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो गई एकदम। तो प्रैक्टिकली हम लोग को जो पॉसिबल है, अम्ल का अम्ल की है या ये है मूंग है या मसूर, ऑप्शंस उन्होंने खूब सारे दे दिए। और घर में अगर लाजा पड़ी है तो उसको दे सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि लाजा को यूजुअली हम लोग कैसे पेशेंट आते हैं जब एएनसी में, तो हम लोग लाजा मंड देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर प्लेन नहीं देना है, इसके अंदर अच्छे से मात्रा में गोघृत मिलाना है और थोड़ा सा मधु भी मिलाएंगे तर्पण करने से। जी तो बहुत स्पेसिफिक अगर ड्रग्स का यूज करें और उसको देखें तो हम रक्तपित्त की चिकित्सा जो कि एक बड़ी इमरजेंसी होती थी, जब कभी लगता था बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या आज भी पेशेंट आते हैं ऐसे केसेस लेके, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इररेगुलरिटीज के पेशेंट हमारे पास बहुत कॉमनली ओपीडीज में आते हैं, स्पेशली सारे लेडी डॉक्टर्स के आजकल सभी लोग फेस करते हैं। तो ये आहार व्यवस्था के साथ साथ अगर हम चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमने देखा है मॉडर्न साइड में तो बस अगर ब्रीडिंग जहाँ दो या तीन एपिसोड आए तो वहाँ बस स्टेरॉइड करा लीजिए, लेकिन हम लोग का ये पूरा वो बन जाता है कि हम इसको अगर बहुत अच्छे से चिकित्सा पे कंसंट्रेट हो और उसको उसके सिद्धांतों के आधार पर करें तो हमें लगता है कि स्टेरॉइड तो हम शायद पूरा खत्म ही कर सकते हैं जब तक बहुत ही इमरजेंसी नहीं हो। 90% केसेस हुए हैं वो नॉर्मली ट्रीट हो सकते हैं केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा से। बस ये है कि हमें सिद्धांत और पेशेंट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है और रेस्पॉन्स भी पेशेंट को मिलता है। बस ये छोटा फाइब्रॉइड है जैसे मैंने कहा ना कि कम मात्रा, जैसे अभी बात हो रही थी कि हम सर्वाइकल की बात कर रहे थे कि सर्वाइकल प्रोलैप्स होता है, सॉरी यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, या हम कभी कभी कहते हैं फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशंस में ही अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को और पेशेंट सही टाइम पे हमारे पास आ जाता है, जब तक वो असाध्यता के लक्षण उसमें नहीं मिलते हैं, साध्यता और कुछ साध्यता हम तो काफी पेशेंट को जो है से बचा भी लेते हैं और बचा भी रहे थे। तो उनको उनके पास वो है ना डाउनलोड है, मेरा डाउनलोड नहीं रहता है मेरा, वो जल्दी से शेयर कर देंगी फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट। हाँ मैं उनको बनाती हूँ कैसा है मैम आ रही है वंदना मैम? नहीं आ रहा मैम। मोनिका मैम नहीं है ना? नहीं नहीं मोनिका मैम तो थी अभी, मुझे तो नहीं दिख रही, आप दिख रही हैं आपको? हेलो मोनिका मैम बोलिए आप। नहीं मैम अब नहीं है, वो आई थी चली गई इसीलिए मैंने बताया। तो चलो ठीक ठीक जब तक आप करिए मैम, इसमें हम लोग सब्जियां देख लेते हैं कि रक्तपित्त के रोगों के लिए सब्जियां कौन सी अच्छी हैं। हाँ आहार व्यवस्था ही बताइए मैंने, वही पढ़ते हैं पढ़ लेते हैं हम लोगों ने दाल तो समझ ली कि हम लोग दाल कौन कौन सी यूज कर सकते हैं और जो अब इसमें हम कौन कौन से शाक यूज कर सकते हैं, तो इजीली अवेलेबल है परवल और नीम की पत्तियां और जो बेंक के अगर किसी को मिल जाते हैं बहुत सारे खड़े रहते हैं तो उनका जो आगे का जो बैम्बू शूट का आगे का जो भाग है उसके बाद जो अड़ूसा है उसकी मतलब बैंत की पत्ती भी यूज कर सकते हैं। चिरायता खूब मिलता है उसकी पत्ती, जो कचनार जब फ्लारिंग हो रही होती है तो उसका फूल, उसके बाद सेमल की पत्ती, तो ये तो सेमल के पेड़ से तोड़ के उसकी पत्ती, इन सब शाखों का बना के यूज करने से जो है वो रक्तपित्त के रोगी को एनर्जी भी मिलती है, साथ में ये ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट भी है।
उसको चाहे तो हम लोग छोंक के बनाए या फिर उनको उबाल में उबाल लें। और पहले मतलब चाकू को यूजुअली बनाने की विधि भी यही है कि हल्का सा पहले उनको उबाल लेते हैं, फिर घी में भूनकर जो है वो देते हैं। तो इस विधि से भी इन चाकू का प्रयोग करने से रक्तपित्त में लाभ मिलता है। मैडम ये रेफरेंस जो है चरक का। उसके बाद मांस जो नॉन वेजिटेरियन है वो मांस का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कबूतर का और चकोर का, बटेर का, गौरैया का। गौरैया का तो हम नहीं करना चाहिए क्योंकि गौरैया अब लुप्त हो रही है। उसके बाद उन्होंने काला हरिण, हरिण ये सब ऐसे जानवर उन्होंने लिखे हैं जो आजकल इनको नहीं किया जाता है। तो ये तो केवल उसका विषय है कि हम समझ रहे हैं केवल। जो कबूतर अच्छे मात्रा में है उसका ले सकते हैं। तो इनमें भी उन्होंने फिर से वही बताया है कि जो खट्टे अनार के रस और आंवले के रस के कुछ खट्टा बनाकर उनको जो है दे दें, या व्रत में भून कर इनको दे सकते हैं, या मांस रस बना के भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि दोषानुसार पत्ते बताया है। मैडम ये हल्का सा काला साइड में आ रहा है बस, बाकी तो ठीक है। हाँ वो क्या है ना, बुक है ना, मैं तो बुक जो है टंग लेती है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे उतनी अच्छी लाइट नहीं पड़ पाती है। चलिए पढ़ा जाता है इसको भी, तो आप पढ़ लीजिए ये वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बस ये बता देती हूँ दोषानुसार पत्ते भेद में उन्होंने बताया कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कफ का अनुबंध है तो फिर हमको यूज देना है, और शाक का वात का अगर है तो मांस रस का हमको प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो बुक है उसमें से पढ़ लेते हैं मैडम। उन्होंने यही बताया, इसमें इन्होंने यही बताया स्पेशली कि अभी जो हम चल अभी हम लोग जो बात कर रहे थे पेय की बात आ रही है ना, तो हमें शरण पानी तो कल हम डिस्कस किए ही थे, सबने भी पढ़ लिया। शरद पानी भी हम लोग पढ़ ही रहते, तो अभी इसमें इन्होंने स्पेशली बताया है कि हमें कैसे कैसे पेया बना के देना चाहिए। उसकी हिंदी अभी सर पढ़ ही है। फिर से पवन सर आप एक बार फिर से पढ़ दीजिए वाला श्लोक अपनी बुक से, और उसकी हिंदी पढ़ दीजिए तो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है पवन सर है। हाँ पवन सर प्लीज जरा 2 मिनट करिए। मैं ये 22 नंबर जरा 22 नंबर फिर से पढ़ लीजिए सर, बात थोड़ा सा। पूर्वोक्त अम्बु पानीयम् पंचमूलेन वा श्रितम् लघुना स्थित शीतम वा मद्वम्भो वा फलाम्बु वा रक्तपित्त में क्षय द्रव्य। पहले कहरा सौंठ सहित षडंग पानीय अथवा लघु पंचमूल के द्रव्य द्वारा शरीर क्वाथ रस शीतल होने पर या मधु श्रित जल या अनार संतरा मौसमी आदि फलों का रस पीने के लिए दें। जी तो यहाँ पे शुंठी को उन्होंने बंद कर दिया है कि शुंठी नहीं देना है। पहले कहा गया जो शुंठी रहित पानी देना है और लघु पंचमूल के द्रव्यों को साधित करके किया गया। तो ये जो आप टीका बता रहे हैं, टीका में इन्होंने लिखा है पूर्वोक्तम अम्बु, जो अभी अम्बु की बात चल रही थी, षडंगम शुंठी रहितम मतलब शुंठी रहित षडंग को देना है, पानीयम पातव्यम अथवा लघुना पंचमूलेन श्रुतम। तो ये अभी आपने इसे पढ़ा, वही वर्णन यहाँ आया है कि पहले कहा गया सौंठ रहित षडंग पानी अथवा लघु पंचमूल के द्रव्यों द्वारा साधित क्वाथ रस शीतल होने पर। इसके अलावा बता रहे पानीयस्य शपणे तंत्रकारे विधिरुक्ता। उसमें लिख रहे हैं कि जो पानी है उस पानी को भी बताया है कि शीतल करके ही, तंत्रकार बता रहे हैं शीत करके ही देना है। यथा कर्ष गृहीत्वा द्रव्यस्य क्वाथ क्वाथे क्वाथेस्त प्रास्थिके अभ्यसी अर्धशतम प्रयोक्तव्यम जल पाके त्वयं विधि। तो उन्होंने स्पेशली बताया कि हम जो भी पेय द्रव्य बना के दे रहे हैं वो पेय द्रव्य जो है वो मधु मिश्रित जल होना चाहिए, अथवा जैसे उन्होंने बोला कि अर्धशतम प्रयोक्तम जल पाके तम विधि इति केवलम वा जलम शत शीतम हितम, या केवल जल को ही हम ठंडा करके दे सकते हैं, या मधु अम्भो माक्षिक युक्तम पानी यम मतलब, या फिर हम माक्षिक युक्त मतलब हम मधु युक्त पानी को भी शीत करके दे सकते हैं, फला अम्बुवा
यहाँ मतलब हो गया द्राक्षार विवो पितग्ने परिकृतम, जो अभी हम पंच सार कल्पना की बात कर रहे थे या फिर द्राक्षा की बात कर रहे थे या हम अभी जो है वो फालसा की बात कर रहे थे, उस तरह का जो द्रव्य भी हम इनको, जैसे अभी आपने पढ़ा अनार संतरा मौसमी, ये जो भी हमारे पास समय जो हमारा काल है या जो भी उसे कहते हैं ना मौसमी फलों का रस भी हम पेशेंट को उस समय दिया जा सकता है या देना चाहिए पेय के रूप में। अब ये बोल रहे हैं हमारे आयुर्वेद रसायन बोल रहे हैं कि तृषितस्य पानार्थम उदक महा पूर्वोक्तम पूर्वोक्तम स्मृति, अर्थात जो तृषितस्य तृषा वाले या तृषा को दूर करने के लिए जो पानी या उदक बताया जाता है वो पहले से उन्होंने पूर्वोक्तम जो वर्णन आया है निशुंठी षडंगोदकम, निशुंठी शुंठी रहित जो है वो षडंग का पान, षडंग पानी का अगर पान कराना है तो निशुंठी होना चाहिए, उसमें शुंठी नहीं मिलाना है। लघु पंचमूल सिद्धम वा, दूसरा जो जल हम पिला सकते हैं वो लघु पंचमूल से सिद्ध होना चाहिए। तीसरा है शत शीतम वा केवलम, जो पानी केवल जो है शत शीत किया हो, खुद ही जो है वो पानी आराम से ठंडा किया हो। मधुतम वा मधुदक, मधुदक का मतलब यह होगा कि मधु का, मधु मतलब जो है हमने जो शहद का पानी, शहद का जल पिला सकते हैं। फलोदकम फलों का भी रस पिला सकते हैं। फलानी फलानी दाणी मादिनी लघु शीतलानी, जो दाणी इत्यादि जो फल हैं उनको जो है लघु शीतलानी, लघुता लिए हुए जो फल हैं उनको हल्का ठंडा किया हुआ पानी दिया जा सकता है। संग्रह तु चिकित्सा अध्याय थ्री, इसमें लिख रहे पद्मकाद जन्योदो चा सारीवादी चा कल्पिये, अन्न पाने गरम तद दशकम दहानाशनम कफा अनुगे युष्पाकम। इस पेज में अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उन्होंने स्पेशली वही बताया है कि जो सारीवादी जो है या फिर हमारा पद्मक जो है पढ़ा था उसमें उस तरह के जो हमारे फल हैं उसको हम दे सकते हैं। हाँ वंदना मैम, हेलो जा रहे थे तो उनको भेजने गई थी उनका पर्स मेरी अलमारी में। हाँ हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ी सी बुखार की आवाजें ज्यादा आ रही हैं उसको भी देख। हाँ वो उसको मैं बंद कर दूँ, अभी और बंद कर दूँ। मैम म्यूट करो ना सबको, पता नहीं कर दिया क्या कर दिया पवन सर, कर दिया जी मैडम, आप शुरू करें जी मैम, कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट वाला है, इसको ऊपर से पढ़िए तो क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, नहीं हो रहा। मारुता अनुगते रसम, उन्होंने वही बताया है कि जो भी हम अभी रस की रस कल्पना बता रहे थे, तीन चार तरह की कल्पना उन्होंने बता दी है यहाँ पर। एक कल्पना इन्होंने ये बता दी कि आपको रक्त में जो देना है षडंग पानी, अगर देना है तो उसमें शुंठी नहीं डालना है, लघु पंचमूल के द्रव्यों का साधित जल देना है, मधुक मतलब हमें जो है शहद का शहद साधित जल दे देना है, या फिर हमें फलों के रस का यूज कर लेना है, और इसी बारे में ये सारी बातें यहाँ पे बता रहे। अब हमें ये वाला जो शशा वाला जो अभी आप पढ़ रही थी मांस रस वाला, वो वाला श्लोक पढ़ 23 नंबर में दोनों है जो मांस रस पे हम आ गए, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किताब किसके पास है, मैं सर के पास है ना, पवन सर बुक है आपके पास खुली हुई। हेलो तशा वाला इसके हाँ इसके आगे वाला पढ़ लो जी मैम। सस्य स्वास तुक है सस्तो विबंधे, इसके आगे वाला भी पढ़ दो मैम। हाँ हाँ 23 पूरा कर जी करें। तीतिर है पुनः उदम ब्रंश है निर्यूहे साधितो मारुते अधिके पले बहिर्ण
सत्व धन्य न्योग्रद्ध कुक्कुटे मलबंध में मांस रस, यदि रक्त पित्त में मल सूख गया हो तो बथुआ के साग के साथ खरगोश का मांस तैयार करके खिलाएं अथवा उसका मांस रस पिलाएं। वात दोष में जो मांस रस की कल्पना है उसमें वात दोष की अधिकता होने पर गुल्लर की छाल के क्वाथ में पकाया गया तीतर का मांस, प्लक्ष की छाल के क्वाथ रस में पकाया गया मोर का मांस अथवा बरगद की छाल के क्वाथ रस में पकाया गया मुर्गे का मांस खिलाएं अथवा उन उन का मांस रस पीने के लिए दे। जी सर, थैंक यू सर। ये तो हमारे काम का नहीं, काम का तो नहीं है सर, लेकिन अगर चिकित्सा में आपको बताना पड़े या आपको चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्र आचार्यों ने निर्मिष और समिष दोनों की बात की है ना, तो यहाँ इसको हमें मतलब एक्चुअली पेशेंट को अगर देना पड़े या कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो आहार कल्पना बनाने के लिए, जैसे अनुरीता मैम अक्सर बताती है इस तरह की कल्पना के लिए, और भी लोग तो कोई है मैम बंदा मैम देखिए लिस्ट में कौन कौन है, पढ़वाइए तो क्लियर हो रहा है, पढ़ लें मीनल मैम होंगी, विनीता मैम होंगी, जो भी होंगी। मैम मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए मैम। ये पढ़ना है सशाव सवास्तु का, सशाव सस्य मांसम सह वास्तुकेन विड विबंधे सति रक्त पित्तिन शस्तः। जी पढ़िए, क्या लग रहा है आप कर लेती हैं, पढ़िए बताइए। जो शशक मतलब खरगोश का मांस है उसको वास्तु के मतलब बथुए के साथ विड विबंध के लिए मतलब मल के विबंध को हटाने के लिए रक्त पित्त में प्रशस्त माना गया है, यही है ना मैम? जी जी। अब एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे हम एक बात हम देखते हैं ना, बथुए को हम लोग जनरली जो है वो वैसे भी यूज करते हैं, अगर जैसे सर ने कहा कि ये हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन आपने ये देखिए कि शशक मांस के साथ उन्होंने बथुए का ही शाक क्यों जोड़ा, और भी तो कोई शाक जोड़ सकते थे। तो अगर हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि अगर हम शशक मांस का यूज नहीं कर सकते हैं तो हम बथुए का जो है शाक का तो यूज किया जा सकता है, इसका मतलब है रक्त पित्त में हम जो हमारे शाकाहारी पेशेंट आते हैं उनको हम बथुए का शाक भी यूज करके दे सकते हैं। तो सर उसमें हमें कहीं ना कहीं युक्ति निकालनी पड़ेगी, हम एकदम हर चीज को वो नहीं कर सकते कि हमारे मतलब का नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें आ जाएगा, आप ध्यान देंगे तो। पढ़िए मैम आगे। रसायन विबंधे रसमाह शशा सवास्तु इति, तो इसका तिरह पुनः विबंध में रस जो कहा गया है वो शशा शशक का वास्तु के साथ तिरह पुनः, मतलब इसके अलावा ये दूसरा श्लोक है, श्लोक है तित्र पढ़िए पढ़िए, उसको पढ़ा है सर ने, श्लोक पढ़ लेते पढ़िए। तित्तिरः पुनः उदुम्बरस्य निर्यूहे साधितो मारुते अधिके प्लक्षस्य वहिर वहिर सस्त। इसमें मैडम वही दिया है ना, प्लक्षस्य लक्षस्य के बाद उन्होंने हिरण तस्य करा है, वर्ण तस्य मतलब कि वही जो मोर का मांस है उसका इन्होंने एक पर्याय लिखा है यहाँ पे, वर्ण तस्य दन अन्य न्योग्रदस्य च दो अन्य न्योग्रदस्य है मैम, वो एक्चुअली क्लियर नहीं दिखा था ना, दो अन्य न्योग्रदस्य च कुकुट। जी तो हिंदी पढ़ू मैं? हाँ नहीं, हाँ पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए। वात दोष में मांस रस, वात दोष की अधिकता होने पर गूलर की छाल के क्वाथ में पकाया गया तीतर पक्षी का मांस, प्लक्ष की छाल के क्वाथ रस में पकाया गया मोर का मांस अथवा बरगद की छाल के क्वाथ रस में पकाया गया मुर्गे का मांस खिलाएं अथवा उन उनका मांस रस पीने के लिए दें। तित्तिरुंत मारुते अधिके उदुम्बरस्य क्वाथे साधितः शस्तः, मतलब मारुत वायु की अधिकता हो तो तित्तिरस तित्तिर के मांस रस को उदुम्बरस्य क्वाथे साधित, उदुम्बर के क्वाथ से साधित करना शस्त माना गया, प्रशस्त माना गया। प्लक्षस्य क्वाथे साधितो बहिर्णो मयूर, प्लक्ष के क्वाथ से सिद्ध मयूर का मांस, तद्वत मारुते
अधिके सस्ता, मतलब वायु की अधिकता में प्रशस्त माना गया है ये दोनों। बहिर्ण इति फल बहारभ्य बहारभ्यामी च, बहिर्ण से मतलब फल का जो बाहर का हिस्सा होता है, इससे यहाँ पे तात्पर्य है। तथैव न्यग्रोधस्य निर्यूहे कुकुटा सस्ता, इसके अलावा न्यग्रोध जो होता है उसका उससे साधित साधित कुक्कुट का मांसरस प्रशस्त माना गया है। निर्यूहे का मतलब क्या होगा मैम? अभी आपने पढ़ा ना, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो हम कुक्कुट का मांस जो दे रहे हैं वो निग्रो, जो उसकी छाल त्वक को बोला है कि तथेव न्योग्रदस से निर्यूह कुक्कट से सस्ता है, मतलब न्योग्र न्योग्र के या न्योग्र की जो निर्यूह मतलब उनका वही होगा कि यहाँ से उसका कुक्कुट के सस्ता कुक्कुट के मांस रस के साथ उसको बताया गया है। स्पेसिफिक निर्यूह का वर्ड का अर्थ पता चल जाएगा, लेकिन ये जो वर्ड कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो हम न्योग्रदी जो गढ़ हमारे पास है उसी की जो त्वक है उसी का जो हम पात बनाएंगे और उसी उसी पात को हम कुक्कुट के जो मांस रस के साथ सेवन कर सकते हैं। मतलब ये मैडम कि जो भी उन्होंने हाँ उसकी छाल का क्वाथ रस बताया और उस क्वाथ रस में मांस को पकाना है। जी जी इसका जी। मैम निर्यूह ये क्वाथ का पर्याय है ना, निर्यूह। हाँ हाँ सही कह रहे हैं मैं जी। थैंक यू मैम। उदुम्बरादि क्वाथ साधनम तित्तिर्यादीनाम औष्ण्य प्रतिहंतुम, उदुम्बर आदि क्वात से सिद्ध तित्तर आदि का उष्ण ये होगा ना। हाँ उदुम्बर आदि का साधनम तित्तर आदि में औषधम प्रतिहंतु, जैसे आपने पढ़ा वही है कि जो उदुम्बर आदि जो क्वात है उसको उसको जो है कुछ मैडम निकाल आ रही है शायद। वंदना मैम, मैडम मोनिका मैम ने जो स्क्रीनशॉट दिए ना वो क्लियर है तो सोच रही हूँ उसको शेयर कर देती। लाइए लाइए कुछ लाइए, मैं दर्ज करके मैं नंबर ले आती हूँ। ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाले हैं क्या? रवि बस आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नमस्कार, आप बताइए बस, तब तक कुछ बोलिए। पिछले सेशन का कुछ क्वेश्चन रह गया था क्या बस तो, बताइए। एक तो आपसे था, एक एक्सप्लेनेशन में देना चाह रहा था जो मैडम बता रही थी कि जो है वहाँ गांव रूरल एरिया में जो है में कार बना देते हैं और एल्कोहल से पूर्ण करते हैं, बता रहे थे मैडम ने। हाँ हाँ, उसके पीछे क्या लॉजिक में बता रहा था, तो वहाँ पर जो स्कार टिश्यू बन जाता है तो स्कार टिश्यू जो टफ टिश्यू होता है तो वहाँ पर वो इसको एंकर करता है। अच्छा। और यही थ्योरी जो हम लोग थियर्स ऑपरेशन में अपनाते हैं वहाँ भी यही होता है, जो स्कार टिश्यू बनता है तो जो उसकी वजह से वो जो है रेक्टम एंकर कर जाता है जी। और उसको सपोर्ट मिल जाता है ये चीज वहाँ पर। सर मुझे भी यही लॉजिक लगा था इसके पीछे कि उनका मतलब मोटो वही होता है कि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन करना, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, स्कार टिश्यू कहीं पे बनता है तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो थोड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन सर उनको मिलता है रिजल्ट, मैंने देखा है, मतलब उस पेशेंट को मैंने देखा था उसको टोटल क्योर हो गया था। होगा और वो बात सत्य भी है जैसा आप बता रही हैं, तो चूंकि हम लोग थियर का ऑपरेशन करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स में पार्शियल प्रोलैप्स में तो इसकी वजह से उसका रिजल्ट आता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी वजह से फिर वहाँ वो एंकर कर जाता है। कांजी कल्पना का भी प्रयोग आया है सर उसमें ना, जैसे कि आप उसमें कुछ स्पेसिफाई करके काजी बनाने का आया है, अभी मैं आपको देखना पड़ेगा मुझे एक बार फिर से, लेकिन काजी कल्पना ने भी बताया कि काजी कल्पना से भी जो है जैसे आप शराब का बता रही है मैडम, वैसे ही उसका भी उन्होंने वहाँ लेपन बताया है और उससे भी परिसेक भी बताया है, और काजी से भी के साथ अगर चिकित्सा करेंगे तो भी जो है ये यूनिवर्स में बहुत इफेक्ट करता है। मैं रेफरेंस बताऊंगी आपको, जब आपने शराब वाली बात बताई तो मुझे याद आया था कि स्पेसिफिक कांजी बनवाई गई है कि कांजी इस तरह से निर्माण कर रही है और उसको जो है वो आप प्रोलैप्स में यूज करिए। मैम उस तरफ मतलब कांजी का यूज नहीं होता ना, वो लोग पता नहीं सालों से ये करते आ रहे हैं, लोकल दाइयां होती मैम वही करती है ये काम।
तो उनको मतलब वैसे गांव में होता नहीं क्योंकि प्रीमैच्योर बियर डाउन इफर्ट्स बहुत ज्यादा करवाते हैं वो लोग, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सब में हो जाता है, कॉमन होता है, तो वो फिर उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा तो फिर शराब से बिठवा देंगे, उनका कॉमन मतलब ये था कहने का। मेरे को पहले समझ में नहीं आता था कि शराब से कैसे बिठवाते हैं, तो मैंने इसे प्रोसेस पूछा था, ब्लेड से काटते हैं और फिर उसमें वो करते हैं, अब थोड़ा अजीब सा लगता था लेकिन अब थोड़ा लगता है कि हम मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें भी लॉजिक है ही। अच्छा मैडम आपसे सवाल है मेरा। जी सर बताइए। जी सर जी, आपने बताया था जो है कभी कच्छू और माजू फल का यूज करते हैं। जी सर, तो इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस है, मैं जल्दी जानना चाह रहा था आपने क्या सोचा। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली सर वो हम तो जो है ना जो भी थीसिस वर्क कराते हैं, क्योंकि अभी हमने आप तो जानते हैं कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया। जी हेलो सर, वो कपी कच्चू और वो जो मेडिकल है ना वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए मैं ज्यादा। अच्छा, जी 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 जी, वही जानना चाह रहा था मैंने इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस क्या लॉजिक है। वो ना एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं। मैडम को लगता है नेटवर्क चला गया, ऐसा लगता है। पवन सर मैं आपको बना देती हूँ, अगर मैं बना पाई, वैसे तो वो खुद मैडम ही होस्ट थी, मैं होस्ट हूँ अभी, तो आपको मैं होस्ट बनाती हूँ, आप जरा मोनिका मैडम वाला शेयर कर दीजिए। चलो मैम, मैं वैसे रूम में बैठा हूँ, दिखता नहीं मोबाइल में, पूरा लाइट है ना ऊपर, मैं ना बैठ के पढ़ता हूँ, आप एक बार शेयर करो, कोशिश करता हूँ बना दो, कोशिश करता हूँ। मैंने होस्ट बना दिया, आ गई मैडम भाई, आ गई। हाँ एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ था, वो लग रहा है नेट प्रॉब्लम थी, कोई भी कर सकता है वो तो, वैसे कहिए तो मैं ही करूँ, नहीं तो कोई भी कर सकता है, इसको कर लीजिए। रवि बॉस ठीक रह गए थे। हाँ बॉस, मैंने ये बताना था ना कि वो जो हमने हमने जो बनाया है या ये जो टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं वो हम शास्त्रोक्त कर रहे हैं, ये शास्त्र का मत आया है कि आप कपी कच्छू से और जो दूसरा था मेरा माजू फल, इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है, मैं आपको रेफरेंस बता दूंगी और उसी के आधार पर हम लोग जो है थीसिस टॉपिक कराते हैं। तो कपी कच्छू है ना और वो माजू फल दोनों एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रहती है उनकी, स्तंभन बंदा मैम। जी जी मैडम, तो होस्ट बना दीजिए तो फिर मैं शेयर करूँ। जी जी जी, ठीक है मैम, शेयर। अब क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप पढ़िए फिर आप। मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। ये अब हम हमको पढ़ना है, ये यही वाला पढ़ना था, मैडम ने पढ़ा था अभी, ये कुछ बच रहा था भाई, मैं पढ़ रही थी, ये इसका आयुर्वेद रसायन पढ़ लीजिए। आयुर्वेद रसायन फिर से पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ, मैडम चाहे तो कंप्लीट भी कर सकती हैं। आप पढ़ लीजिए मैम। मारुता दिखे रस महा तितर पुनरति मार, हाँ मारुता दिखे रस महा तित्तरी पुनरति मारुता
मारुता दिखे रसा अंतर महा श्लक्षण बहिर वयनस्त दूरृति वयनो मयूर। जी वही अभी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब वायु की अधिकता होती है तो फिर हमें तितिर के मांस रस का सेवन करना चाहिए, तितिर के मांस रस के बात जो है प्रयोग करना चाहिए, यही बता रहे हैं यहाँ पर। मतलब वातदोषी अधिकता होगी तो चाल का स्वाद बनाया और उसमें तितिर की पक्षी का मांस को पका के उसको देना है। अधोक रक्त की बात चल रही है, अधोक रक्त की बात जिसकी अधिकता मारेंगे। उसके बाद रसांतर महान्योगदस्य च कुक्कुट इति संगते हेतु। अब उसके बाद जो सेकंड उन्होंने ये बताया कि जो मुर्गी का मांस है वो बरगद की चाल के काढ़े में यही लिखा हुआ है उसमें भी हिंदी में कि मुर्गी का मांस है वो बरगद का जो छाल है उसके काढ़े में पका के उसका मांस उसको खिला सकते हैं। संगते हेतु के बाद द्विस्फोट फल मृणालाना वर्तक वर्तक्र करो हितो। द्विस्फोट फल मृणालम यहाँ पे तो जो इन्होंने बताया स्पेशली उत्पल और मृणालम तो जो हमारा पित्तशामक गण है उसमें ये औषधियों का नाम आया है। मृणाल उत्पल विष कम विष भी शायद मुझे लगता है कमल नाल के में भी आया है, शायद कमल नाल को भी बोलते हैं, या कोई और बता पाए तो बताए। इसका ये फिर यहाँ पर कुछ औषधियों के नाम बताया इन्होंने कि वो जो है वो इसमें हितकारी होते हैं। नीचे भी इन्होंने वही सब कुछ औषधियाँ बताई है। वर्ती रो अम्बु जना अम्बु अम्बुजनालाम श्रतस्य कपिंजला कपिंजला। ये इनके अपना अपना इनका मत है और इस मत पे ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो है कपिंजल को लेके अश्वत्थ को लेके हम इसका जो है वो अगर भोजन की तरह से इसका सेवन करा जाएगा या भोजन में बनाया जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा। तो जो हमारे पित्तनाशक गण है उशीर नीर वासिका किरात भूरी पुत्रिका पटोल चंदनामृता सरोज ताल मूलिका सुतिक्त चाल मली शिफा चितामही रोहा मया करतु पित्तनाश को अयंतु पित्तरोग। तो जो पित्तनाशक गण है उनमें से ही ये सारे हैं जैसे उन्होंने उसका बताया। अब हम लोग कल कुछ डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ ही पढ़ेंगे 24 और 25 में। हेलो वंदना मैम, शेयरिंग रखिए मैम। शेयरिंग रखे, अच्छा ठीक कर दे। हाँ मैम, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा कर दे, ठीक है। आ रहे? हाँ मैम, आगे आगे। बताइए मैम थोड़ा सा और जिसको डिस्कस करना है थोड़ा करिए। अच्छा है ये, बहुत ही आहार योजना पे अगर हम लोग जाते हैं तो आहार योजना भी बहुत अच्छे से हम लोग नॉन वेज और वेज में दोनों में देख सकते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने जो बताया है अगर हम नियोगराज की बात करते हैं या जो नियोगराजी गण पूरा हमारे पास है अश्वत्थ है और बट है पाखड़ है पीपल है इसको अगर प्लक्ष को अगर इस सब का भी हम ले सकते हैं या केवल उन्होंने अलग अलग भी बता दिया है कि हम अगर हम तीतर मक्षी का मलेंगे तो हमें प्लक्ष के छाल के सब प्लक्ष के जो पाखड़ या प्लक्ष के जो पात है छाल का पात है अगर हम मोर का लेंगे तो हम बरगद के साथ बनाएंगे बरगद का और मुर्गे का एक साथ बनाएंगे और प्रक्ष को जो है वो मोर के साथ बनाएंगे तीतर का जो है वो हम उदुम्बर के साथ बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस कल्पना में कुछ बहुत अच्छे से कहीं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं उनकी अंशांश कल्पना दोषों के हिसाब से रही होगी और ये बहुत ही स्पेसिफिक किया है। तो अगर हम नॉन वेज की बात करते हैं कि नहीं नॉन वेज नहीं लेना है तो भी हम उदुम्बर पात ले सकते हैं हम प्लक्ष पात ले सकते हैं हम जो है इसके अलावा जो है अपना नियोगरोधि या बरगद का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम जरूरी नहीं है कि हम मांस रस ही चलाएं हम समटाइम्स हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि हम उसको
मूंग की दाल में या मूंग का जो हमने यवागु बनाया या हमने उस मूंग का यूज बनाया उसमें भी हम इस कल्पना के साथ उसको बना के दे सकते। एक्चुअली यहाँ पे जो योग पता है ना ये तो वाकई में नहीं यूज किए, लेकिन जो जिस समय में ये लिखा गया है उस समय में माउंस रस और माउंस के ऊपर का उनका स्टडी देखिए कितना था। आज तो एक चिकन मटन और इसका रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते इसकी वजह से उसको नाम रखा जाए। मैंने टीवी में एचआईवी के पेशेंट में सूतिका जी की जो बाद में बहुत एकदम क्षीण अवस्था आती है उसमें माउंसरस का और मज्जा बस्ती का अस्थिगतवाद और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो ऑस्टियोमलेशिया या अस्थिगत जो मेटास्टेसिस रहता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। लिटरली मतलब जहाँ पे फ्रैक्चर और इंटरनल इंजुरीज है मल्टीपल इंजुरीज है वहाँ पे भी मैंने रोपण और ब्रोहण बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन अगर जो नॉनवेज नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ पे मैं पर्सनली जो भी है उदुम्बर का बहुत यूज करती हूँ और उदुम्बर सदृश जो ये हमारे यहाँ पे फिग को क्या बोलते हैं वैसे ही फल रहता है मीठा रहता है महाराष्ट्र में उसे अंजीर बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अंजीर का जो फल है अंजीर जितनी इनफर्टिलिटी की पेशेंट है जिसका पित्त शमन करना है जितनी अभी जैसे कल मेरे पास में एक केस आई प्राइमरी इनफर्टिलिटी ही है लेकिन मैम उसके 14 IUI फेलियर में गए हैं और 33 एज है 38 एंड 33 का कपल है। और दूसरी चीज ये कि उसको जब मेंसेस आई थी मतलब हम छोटी सी चीज को कितना नजरअंदाज करते हैं कि रूटीन में मेंसेस नहीं आना या डेढ़ महीने में एक बार मेंसेस आना या मेंसेस के वक्त में तकलीफ होना और बाद में PCOS के बाद में फिर शादी हुई तो उसको और कुछ तकलीफ और लिट्रोज और जो भी ड्रग्स है वो देके गुड ओवाइन ये करके उसका पूरा साइकिल खराब है। तो मतलब जो उदुम्बर रहता है या जो भी फिग रहता है अंजीर उसको कट करके आप देखिएगा तो वहां पे जो भी है सारी बीज की मतलब वहां का जो भी फला उनका उसका फल है वो कम्प्लीटली बीज युक्त ही रहता है। तो ऐसे वक्त में मैं ये योजना मैंने फिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी किया था तो HB बढ़ाने के लिए या एनीमिया दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है अंजीर और ब्रूहन और जहाँ पे अग्नि मंद है तो वहाँ पे आप इसका सिद्धक शीरपाक भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग माउंसरस नहीं खाते उनको तीन सजेशन है, एक सोयाबीन रहता है, दूसरा मशरूम रहता है। अच्छे मशरूम मिलते हैं मॉल में मिलते हैं क्योंकि उसका प्रोटीन वैल्यू और उसका मतलब माउंस सदृश उसके अंदर का जो भी घटक है जो अगर मैं इरिथ्रोसिन या टायरोसिन या आइसोप्रीन इस नाम से बोलूं तो बस इसेंशियल प्रोटीन ऐसे समझ लीजिए या हमारी भाषा में अगर हमें माउंस से समान कुछ बढ़ाना है तो वहां पे इसको ये जो कल्पनाएं हैं उसको सिद्ध करके उसका सूप या उसकी सब्जी आप लीजिए बिकॉज सोयाबीन और मशरूम के 100 degree पे भी उबलने के बाद में उसका प्रोटीन लॉस नहीं होता है। तो जो भी अब जब ब्रूहन आपको चिकित्सा करनी है या काफी हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत पुरुष व्यक्ति भी आते हैं लिटरली जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही है तो ऐसे वक्त में भी मैंने भाई नहीं लेते हैं वो नॉनवेज तो हर बार कोई प्रोटीन पाउडर ही देना अगर वो ऑर्गेनिक यूज का नहीं तो उस प्रोटीन पाउडर का कुछ फायदा ना होते हो कुछ और दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ पे आप सोयाबीन और जो मशरूम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पे एक वनस्पति मिलती है जो आपके यहाँ पे भी मिल गई राजगिरे का साग मिलता है चंदन बटवा मिलता है अभी आई डोंट नो इसका मेडिसिनल ये नेम क्या है मेडिकल नेम बट ये दोनों भी पित्त शमन बहुत अच्छा करती है ब्रूहन अच्छा करती है राजगिरा और चंदन बटवा और इसके साथ में एक कार्डिया किस पे मैं यूज करती हूँ वो करडई करके बोलते मैं इनकी फोटो शेयर कर दूँ। हाँ मैं इनकी फोटो क्योंकि इनकी जो जो इनसे मिला हुआ फल है उसे राजगिरे का लड्डू बनता है। तो ये मतलब हमारी जो कल्पना है जहाँ पे हमें ब्रूहन भी देना है लेकिन वहाँ पे आप हेवी चीज नहीं दे सकते अग्नि मानदेह है या उसका शिरपा का कल्पनाएं बनाते हैं जब नोशिएटिंग प्रेगनेंसी रहती है कि उनका कंटिन्यूस मतलब वो खा ही नहीं पाते उनके मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। तो ये छोटी छोटी कल्पनाएं हैं आप गर्भिणी में कभी उदुम्बर पाक या फिर अंजीर का पाक या दूध की कल्पनाएं ये करके देखिए अग्नि मानते थोड़ा ज्यादा है तो आप लहसुन छिरपा करके देखिए बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यहाँ पे जो भी वनस्पति बनाए मैं वही चीज को पढ़ रही थी इसलिए मैंने बोला कि आप शेयर कर दीजिए। तो जो इसके अंदर
अलग अलग वनस्पति बनाए, हम उसका चूर्ण लेके उसको सुखा के हम अपने पास में रख के फिर उसको सिद्धि कल्पनाएं में यूज कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि रोपण कार्य बहुत अच्छे करते होंगे, या फिर शरीर के अंदर जब तीव्र पित्त अपने उष्ण और विधायी गुण से जब बढ़ा हुआ है तो उस वक्त में ये पित्त का शमन करके ब्रूहन बहुत अच्छा करते होंगे। काफी बार क्या रहता है, एलोपैथिक ड्रग्स और लॉट ऑफ इरिटेटिव ड्रग्स जो है, जैसे कई लोगों का सिर्फ प्लाटिन और केमो ड्रग चलता है और उस वक्त में वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके आयुर्वेदिक लेता है, तो उस वक्त में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है या जो भी इंटरनल हमारी लाइनिंग है, या सीधा हम बोलिए कि हमारा जो श्लेष्मक कफ और हमारा जो शरीर के अंदर का पूरा ब्रूहन और रोपण का कार्य करने वाले जो भी धातु है, उन सबका क्षरण हो जाता है, सब चीज जल जाती है और इतना रुक्षता बढ़ता है, इतनी उष्णता बढ़ती है कि पेशेंट को कोई भी चीज अंदर नहीं रहती। उस वक्त में आप इसका जल बनाइए, उससे सिद्ध कुछ पाक कल्पनाएं बनाइए, या उसको जैसे हम पंचकोल सिद्ध फांट देते हैं या फिर वाला सिद्ध पानी देते हैं या सोना जल देते हैं, वैसे आप अगर इन कल्पनाओं को यूज करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फायदा देगा। थैंक यू मैम। मैम लहसुन शिरपा प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड होता है? नहीं मैम, सर लहसुन शिरपा जहाँ पे अग्नि मानदेय आपको दूर करना, या अमवात के पेशेंट है, या फिर पर्टिकुलरली ना वात रक्त और ये वाली कंडीशन है, और जैसे अभी कल बात हो रही थी सोरियाटिक और ये चीज में, सर वहां पे है ना बहुत मतलब टीडियस हो जाता है अग्नि दीप्त करके पेशेंट को कंट्रोल करना, तो वहां पे आहार्य कल्पना भी ऐसी देनी होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म अग्नि दीपन करना होता है, धात्वाग्नि मानदेय भी बहुत मतलब जीर्ण स्वरूप का रहता है, तो वहां पे आप ये करिए। मेरे जो बेडरिडन कैंसर पेशेंट और डिस्टेंट पेशेंट है जहाँ पे मैं उनका शोधन वगैरह नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसी कुछ कल्पनाएं, नाभि पूरण है, लहसुन शिरपाक है, ये देना पड़ता है। लिटरली मैंने ऐसे केसेस देखे कि जो कुछ भी नहीं खा लेते, जिनको लिटरली इतना अन्न अरोचक और इतना आना और इतना अन्नाभिलाषा था तो कुछ भी नहीं ले पा रहे थे, तो फिर वहां पे मैंने ऐसे अंजीर पाक है या कुछ ऐसे, पर्टिकुलरली गर्भिणी में तो मैंने इसका बताया औदुम्बर और अंजीर का, लेकिन मतलब आर्य कल्पना में मैं लहसुन शिरपा, जहाँ पे बात की संप्राप्ति है, जहाँ पे अग्नि दीपन करना है और पर्टिकुलरली पेन ये भी काफी रहता है, वहां पे लहसुन शिरपा बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, थैंक यू अनविता मैम, आज आप वो कराइए प्लीज, एंड कर दीजिए सेशन को। पवन सर, अनंद्रा मैम, सर एक नोट था मैम, हेलो सतीश सर, अभी ये क्वेश्चन आप यही पूछ सकते हैं क्योंकि 8:00 हो चुका है और सबको अब वो करना चाहिए, फिर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा पूछ लीजिए सर। अनंत मैम नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते जी। मैंने एक आपने उसके लिए बताया था पल्मोनरी सर्विसेज के लिए इमरजेंसी के लिए ना एक चार्ट बताया था आपने, किसके लिए सर? लंग फाइब्रोसिस के लिए। हाँ हाँ नर्व फाइब्रोसिस बोल, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए मैम। अच्छा सर एक्चुअली मेरी उसके लिए अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन भारंगी मूल वगैरह का ऐसा कुछ बताया था। भारंगी मूल, हाँ चित्रक मूल, भारंगी मूल, उसके साथ में पुष्कर मूल, और अगर आप रस कल्पना यूज करते हैं तो रससिंदूर श्वास का, भारंगी मूल, चित्रक मूल, वासा, यष्टि मधु। हेलो आवाज गई मैम। यष्टि मधु अमृता मैम उसको डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ चलेगा मैम, चलेगा मैम, आवाज चलेगी आपकी मैम प्लीज। हाँ सर एक्चुअली डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे जी। ओके सर, पवन सर आप प्लीज एंड करिए जी। ठीक है ग्रुप में, ओके। उसके बाद शांति पाठ करें, कमर सीधी करके बैठे, ध्यान आज चक्र पर रखें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए तीनों स्वरों को ध्यान करते हुए सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भ्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि ओ शांति ही शांति ही शांति ओ। सभी व्यादगणों को नमस्कार, सबका दिन शुभ हो, मंगल में। धन्यवाद, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। पवन सर, हेलो पवन सर, हेलो। जी मैम बोलिए। मीटिंग एंड करिए, मीटिंग एंड आपको करना है आज, मीटिंग एंड करिए। एंड एंड कर दीजिए। हाँ, थैंक यू ऑल, नमस्कार सभी को, थैंक यू। पवन सर आप होस्ट एंड करिए, पवन सर एंड करिए। पवन सर, पवन सर आप होस्ट हैं, आप एंड कर दीजिए सेशन को। पवन सर एंड आ रहा होगा रेड से लिख के, सर उसको बस दबाना तो होता है एंड से। हाँ मैडम को होस्ट बना दीजिए, एंड कर देंगे। मैम सारे लीव कर जाओ, अपने आप हो जाएगी, पवन सर शायद सुन नहीं रहे। ठीक है, ओके मैं कर देती हूँ, ओके।